यहाँ तक कि एक चोर भी चोरी करता है तो उसके भीतर यही होता है कि हम कैसे चोरी में सफल हों। एक डाकू भी यही सोचता है, किसी की जान लेने वाला भी यही सोचता है, शराब पीने वाला बेचने वाला, मांस खाने वाला बेचने वाला, खेतों में काम करने वाला, दफ्तर में काम करने वाला, सब यही सोचता है कि हम उस दिशा में कैसे पूर्ण सफल हों। और उद्देश्य अंत में एक ही होता है, सुख पाना, शांति से जीना। अलग अलग रास्ते हैं, कोई अधर्म का चुनता है, कोई धर्म का चुनता है, लेकिन अधर्म पर चलने वाला आदमी भी अपने अनुसार से उसे धर्म समझता है, जबकि वह धर्म नहीं है। वो अक्सर यह सोचता है कि मैं जिस मार्ग में चल रहा हूं ये मेरा धर्म है, और कुछ लोग कह भी देते हैं क्या करेंगे, उसका तो स्वभाव ही खराब हो गया है, क्या करेंगे, उसका तो स्वभाव ही बिगड़ गया है। पर यहां एक बात समझ लेने की है, स्वभाव और आदत दो अलग अलग चीजें हैं। स्वभाव नैसर्गिक है, प्राकृतिक है, उसमें कभी कोई परिवर्तन नहीं होता, और सभी जीव का स्वभाव धर्म है, प्रेम है, सत्य है, अहिंसा है। यदि मूल स्वभाव ही अधर्म का हो जाए, क्रोध का हो जाए, तो उसे बदला नहीं जा सकता। जैसे पानी का धर्म शीतलता है, आप उसे बदल नहीं सकते, उसका मूल स्वभाव है। अग्नि का धर्म उष्णता है, जलाना है, उसे आप बदल नहीं सकते। पानी 100 डिग्री तापमान पर उबाला जाए या उससे भी तेज डिग्री पर, लेकिन फिर भी उस पानी को यदि आग में आप डालेंगे तो आग को बुझा देता है। इतने गर्म होने के बावजूद भी वो आग को बुझा सकता है, मतलब उसके मूल अवस्था शीतल है। कितना भी गर्म किया जाए वो मूल अवस्था से अपने आप को अलग नहीं कर पाता। कोई इंसान ये कहता है उसका स्वभाव खराब हो गया, वस्तुतः उसकी आदतें बिगड़ी है, स्वभाव नहीं। स्वभाव तो भीतर सबका वही है, प्रेम, सत्य, अहिंसा, करुणा, लेकिन संगति का बड़ा फर्क होता है। जैसी संगत हम करते हैं, धीरे 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 मन हमारा ढलते चला जाता है, और हमें पता भी नहीं चलता कब हमारा मन उन संगतियों के असर में परिपक्व होकर उसी अनुसार यात्रा करने लगता है। रामायण की वो बात जरा ध्यान दें, सबसे अधिक प्रेम करने वाली माँ कैकेयी राम को प्राणों से भी अधिक, भरत से भी ज्यादा, लेकिन संग उसे मंथरा का मिल गया, और मंथरा ने रात भर में, कहानी तो रात भर की ही है, लेकिन वो पहले से ही थोड़ा थोड़ा कान भरती रही होगी, पहले से ही थोड़ा थोड़ा उसे समझाती रही होगी, लेकिन राजगद्दी जिस दिन होनी थी उसके एक रात पहले मंथरा सफल हो गई। बात यह है कि राम से बड़ा प्रेम करती थी, माता कौशल्या से भी ज्यादा, फिर मंथरा के कहने से उसका जीवन बदल कैसे गया? जिस राम से वो प्रेम करती थी उसी राम को वो जंगल कैसे भेज सकती है?
ये संस्कार बड़े प्रबल होते हैं और संग में जब जीव पड़ता है तुरंत उन संस्कारों में ढल जाता है। इसलिए संतजन कहा करते हैं कि माता पिता कितने भी धर्मात्मा हो, कितने भी पुण्यात्मा हो, लेकिन अगर बच्चे आपके मित्र वैसे बना रहे हैं जो मित्र सही नहीं है, कुमारगी हैं, तो आपकी अच्छाई बच्चों पर कम पड़ेगी, उसके मित्रों की ज्यादा पड़ेगी। और हो सकता है धर्म की नगरी में भी, हो सकता है सत्य न्याय प्रेम करुणा की नगरी में भी कोई पापी जन्म ले ले, हो सकता है कोई पापी बन जाए, लेकिन संगत अच्छी है, संग बढ़िया है, तो फिर वैसा रंग चढ़ता है। तो जो आदतें हैं वो बिगड़ती हैं संग के कारण। किस तरह के संग में हम हैं, या तो हम उसे बदल देते हैं या हम ऐसा हो जाते हैं। 10 लोग तंबाकू खाते हैं तो उसके संग में रहने वाला एक आदमी तंबाकू खाने लगता है। कुछ लोग शराब पीते हैं, उसके संग में रहने वाला आदमी शराब पीने लगता है। जैसा संग उसे मिलता है वो वैसा बन जाता है। कोई कोई विरला होता है जो इतने मजबूत होते हैं अपने भीतर से कि 10 नहीं 20 नहीं हजारों को खुद बदल देते हैं। वो नेतृत्व करने की शक्ति तो तभी जगेगी जब हम अपने मूल स्वभाव को जानेंगे। जैसे पत्थर में आग है पता नहीं है, मृगा के नाभि में कस्तूरी है पता नहीं है, मेहंदी के पत्ते में लाल रंग है ये पता नहीं है, पत्थर को घिसेंगे तो आग उत्पन्न होगी, मेहंदी के पत्ते को हम रगड़ेंगे तो लालिमा आएगी, बिना रगड़े हम चाहे उस पत्ते के टुकड़े टुकड़े कर दें कहीं लाल रंग दिखाई नहीं देगा। जैसे गाय के शरीर में दूध है, उसके थन को आप चाकू से काटें, चीरा लगाएं, खून निकल आएगा, दूध नहीं निकलेगा। काट काट कर पूरे शरीर को अलग कर दें कहीं दूध नजर नहीं आएगा। अब इसका मतलब ये नहीं कि भीतर दूध नहीं है, भीतर दूध है, लेकिन हम गलत तरीके से बाहर निकालना चाहते हैं। मूल में हर किसी के अंदर प्रेम है, मूल में हर किसी के भीतर सत्य है, ईमानदारी है, बस जरूरत है उसे सही तरीके से जगाने की, जरूरत है उसे सही तरीके से जागृत करने की, प्रकट करने की। सही तरीके से प्रकट हो गया तो मेहंदी की लालिमा भी आएगी, पत्थर से आग भी आएगी, मृगा को कस्तूरी का पता भी चलेगा और गाय के थन से दूध भी निकलेगा। आदमी यदि अपनी संगत ठीक करे, सज्जन का संग करे, अपने वातावरण को बदले, तो भीतर की वो ज्योति भी जगेगी जहां से प्रेम जागृत होगा, फिर भीतर वो सत्य भी उदय, सत्य का उदय भी होगा, अहिंसा की धारा भी बहेगी। लेकिन हमने एक ऐसा पर्दा डाल रखा है जहां सब कुछ ढक गया है और बाहर के संग से जो संस्कार बन रहे हैं अधर्म के मार्ग का, बस वही लगता है जीवन हो गया है। बुरा सोचना, बुरा बोलना, बुरा खाना, बुरा करना, और ऐसे लोग कहीं भी होते हैं वो बुरा ही करेंगे। ऐसा नहीं है कि ये लोगों के बीच हैं तो बुरा कर रहे हैं और एकांत में हैं तो नहीं करते। जिनका मन कुसंग में पड़कर बुरा हो चुका है
वो कहीं भी रहेंगे, मंदिर में भी रहेंगे, तो वो दूसरे का नुकसान ही सोचेंगे। भगवान से प्रार्थना भी करेंगे तो यही सोचेंगे कि पड़ोसियों का घर टूट जाए, पड़ोसियों का धन लूट जाए, पड़ोसी बर्बाद हो जाए, किसी की झोपड़ी है उसकी झोपड़ी में आग लग जाए। यहां तक कि जिसका मन बुरा है वो अपने भाई के लिए भी यही सोचता है, अपने माता पिता के लिए भी यही सोचता है। तो मंदिर में खड़ा होकर भगवान के सामने यही प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, मुझे तो धन देना, मुझे तो वैभव देना, मुझे तो समृद्धि देना, यश कीर्ति देना, लेकिन मेरे अलावा बाकी सबको नरक देना। ये गलत मन का परिणाम है। जिसका मन पवित्र है, जिसकी संगत अच्छी है, वो अपने लिए कुछ नहीं मांगता, वो सबके लिए मांगता है, वो सबके लिए सोचता है। और वो तो यही कहेगा, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। वो तो फिर महावीर के उस सिद्धांत को स्मरण करेगा कि जियो और जीने दो। वो तो भारत के उस मिट्टी को स्मरण करेगा जहां सबके सुख सबके समृद्धि की कामना है, जहां सदगुरु कबीर जैसे संत की बात वो याद करेगा कि जेते औरत मर्द पाने सो सब रूप तुम्हारा। उसके भीतर तो वो ख्याल आएगा कि सब घट मेरो साईया, सोनी सेज न कोय, बलिहारी वा घट की जागट प्रगट हो। और ये होगा कैसे? सदगुरु कबीर कहते हैं, यह मन तो शीतल भया, जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हरि फिरे, कहत कबीर कबीर। वे कहते हैं बड़ा सरल है, बस मन को शीतल करना है, मन को निर्मल करना है। पवित्रता जब मन में आएगी तो भगवत्ता प्रकट होगी, और फिर तुम जिस भगवान के पीछे भागते हो वो तुम्हें ही खोजते हुए तेरे पीछे भागेगा। इतना सरल रास्ता है। मैंने कहा, संगत अच्छी हो तो आदतें भी बदलती है, स्वभाव कभी नहीं बदलता। स्वभाव तो है ही प्रेम, मूल में है, आधार है प्रेम, लेकिन आदतें बिगड़ जाती है बुरी संगत के द्वारा, गलत खान पान के द्वारा। हम गलत भोजन ले लेते हैं, गलत अन्न जैसे ही शरीर में जाता है मन मस्तिष्क प्रभावित होता है। सादा सुपाच्य प्राकृतिक भोजन हम लेते हैं, मन मस्तिष्क पर उसका सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इसलिए हर कदम पर हमें जागृत होने की आवश्यकता है, होश में जीने की आवश्यकता है। या तो अपने भीतर हम इतनी शक्ति जगाएं कि संगत कैसी भी हो हम अपनी छाप छोड़े, न कि उसके अनुसार बन जाएं। कोई बहुत जिद करने लगा हम चाय पी लेते हैं, कोई बहुत जिद करने लगा हम सिनेमा चले जाते हैं, कोई बहुत जिद किया एक घूंट शराब चढ़ा ली। इसका मतलब यह है कि हम बहुत चीजें सिर्फ मर्यादावश नहीं करते हैं, भीतर मन हमें करवाने के लिए आतुर है और हम मन के गुलाम बने होते हैं, और जैसे ही थोड़ी हवा मिलती है, थोड़ा मौका मिलता है, हम कूद पड़ते हैं। लेकिन अपने भीतर अगर मजबूती है, मन हमारा गुलाम है, तो कोई भी हमें इस तरह से अपनी ओर नहीं खींच सकता।
फिर हम उसे बदल सकते हैं। हम में वो सामर्थ्य होगा कि हम उसे परिवर्तित कर